प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शनिवार को महानगर स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई। इस दौरान उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के गोरखपुर जनपद की इकाई के नए कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई। इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष प्रभाकर मिश्र, मंत्री राजेश यादव और कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सहित अन्य पदों पर शिक्षकों की घोषणा की गई। इस अवसर पर मार्कंडेय राय, उदय शंकर शुक्ला, अनिल भारती, विजय सिंह और उमा शंकर सिंह सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा, जनपद गोरखपुर के नव निर्वाचित कार्य समिति के सभी पदाधिकारी साथी, शिक्षक साथियों, देवियां, आप लोगों ने किया, हम लोग शिरकत करने आए हैं। साथियों, ये गोरखपुर की धरती है। आपके अगुवाई में जो जो ऊंचाइयां छुई गई, आज हमारे नौजवान साथी बैठे हुए यहां पर, पूरे प्रदेश के शिक्षक संघर्ष किया, ये आपका कुशल नेतृत्व रहा, जिसके बदौलत आज हमारा है संगठन का। हम लोगों ने आपसे सीखा है, अंगूठी पकड़कर हम लोगों को आपने चलाया है, सिखाया है। आज मैं कहता हूं, पूरे प्रदेश में हम लोग खड़े हो जाए किसी भी मंच पर, कोई भी जो शिक्षक समाज को दिया है, उत्तर प्रदेश का शिक्षक जो आज पढ़ रहा है, ये सब आपकी देन है। सुशील कुमार पांडे, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। संगोष्ठी का आयोजन इस जनपद के निर्वाचन के संबंध में था। शिक्षकों की समस्याओं को लिया जाएगा और उसका संकलन किया जाएगा, फिर अधिकारियों के साथ वो आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाए। आज यहाँ की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। गोरखपुर प्रभाकर मिश्रा जी अध्यक्ष और राजेश यादव जी मंत्री चुने गए हैं, उनकी पूरी टीम चुनी गई। पुरानी पेंशन, शिक्षकों का वेतनमान 17,140, पदोन्नति, अन्य समस्याओं पर आज चर्चा हो रही है।